जैसे अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, वैसे ही बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। इस बात की परवाह नहीं करता था अतीक अहमद। जब वो बाहुबली था तो अपनी ताकत का करता था गलत इस्तेमाल। जो पूर्व सांसद आपके अतीक अहमद जी हैं, उनके वो प्लस उनके बेटे और बाकी लोग जो उनके टीम में थे, सभी लोग वहाँ पर थे। वहाँ पर मुझे ले जाने के बाद मुझे किनारे बैठा दिया गया। बैठाने के बाद मुझसे सारी कंपनियों के रिजाइनिंग लेटर पर साइन कराया गया। जब मैंने उस पर आपत्ति की तो मुझे मारा गया, कहा जो कह रहा वो करो। सारी कंपनियों में मुझसे साइन कराने के बाद मुझसे सादे लेटर हेड पर साइन कराया गया। सारी कंपनियों के सारे चेक पर मुझसे साइन कराए गए। कराने के बाद वो दो लोगों का नाम पुकार रहे थे, जफरुल्ला और गुलाम सरवर। इन दोनों से मुझे मारने के लिए कह रहे थे कि इसको मारो, इसको मारो, उसके हाथ पैर तोड़ना है। उसी मार के बीच में मेरी हाथ की एक उंगली टूट गई है और मेरे पीठ पे बहुत सारे निशान आए हैं। और निशान आने के बाद जब मुझे मारा गया तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने कहा वो सारी चीजें मैंने की। दूसरों के परिवार को मिटाने वाला अतीक डर गया। डर है उसको कि कहीं उसका ही परिवार ना मिट जाए। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। बाप की काली कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला अतीक भूल गया कि जैसे साम्राज्य खड़ा किया जाता है वैसे उस साम्राज्य को गिराया भी जाता है। अपराध की दुनिया में राज करने वाला अतीक अपने आप को समझता था अपराध की दुनिया का बाप, मगर वो भूल गया कि हर बाप का भी होता है एक बाप। उसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं करती है। एक एक अपराधी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारा लक्ष्य है। कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। अतीक की एक बात ने पिघला दिया मीडिया का दिल। आप भी सुनिए ऐसा क्या कहा अतीक ने कि पिघल गया मीडिया का दिल। आप लोगों की वजह से हिफाजत है, ये आपका क्या होता है, वरना क्या होता है, क्या होता है। सुनी सुनी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी लाचार बेचारे बाहुबली अपराधी के साथ।